देखना इसलिए चाहिए क्योंकि नॉर्मली पंजाब को हमने हमेशा सरसों के खेत गाने वाने वो सब करते हुए देखा हुआ है, तो ये थोड़ा अंडरवैली है पंजाब का। एंड रियल पीपल, दो टाइम पीरियड पंजाब के बड़े इंपॉर्टेंट रहे आफ्टर पार्टीशन, चाहे वो इंसर्जेंसी का टाइम हो या फिर वो बाद में 2005-06 में ड्रग ट्रैफिकिंग का टाइम हो, तो वो दोनों टाइम पीरियड को कवर किया गया है। एंड कोशिश यही है कि आप एक अच्छी सीरीज देखो और थोड़ा अंडरवैली ऑफ पंजाब देखो, नहीं तो सिर्फ गाने वाने, गाने इसमें भी हैं ऐसी बात नहीं है। Yes, पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इसमें स्टार कास्ट बड़ी जो पाजी ने ली है ना कास्ट की, बहुत अच्छी ली, एक दो को छोड़ दिया। सो शी इज प्लेइंग किमी। आप सब अभी अपना अपना इंट्रोडक्शन देके सब दे दो। किमी, यस, सो आई एम प्लेइंग किमी जो कि मैडम ओलक की डॉटर प्ले करती है, एंड उसका एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रैक है, एंड हर किसी कैरेक्टर का बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रैक है। एज एंड व्हेन आप देखोगे आपको समझ आएगी द स्टोरी, इट बिल्ड्स स्लोली स्लोली स्लोली, बट इट्स वेरी वेरी एंगेजिंग एंड एंटरटेनिंग। वंस यू आर हुक्ड, तो आई वॉन्ट द ऑडियंस टू ट्रूली सी कि हम व्हाट आर वी प्रेजेंटिंग। सो माई कैरेक्टर इज अ पंजाब पुलिस ASI बबीता मसी, एंड टू गेट इन टू अ कॉप्स कैरेक्टर इज नॉट ईजी। पंजाब पुलिस दिया औरतां दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर यू नो दे गेट देयर वर्क डन, एंड दैट्स व्हाट आई हैड टू बी, वेरी डोमिनेटिंग। इफ आई हैव टू डू समथिंग आई हैव टू लाइक मेक श्योर दैट माय वॉइस इज हर्ड, एंड आई एम यू नो शाउटिंग एट पीपल। इन वन शो आई एम शाउटिंग एट पीपल एंड स्लैपिंग पीपल अराउंड, एंड देन आई डोंट नो इफ दानिश इज हियर ऑर नॉट, बट नो दानिश, या वी, yeah, Danish got quite a few. But then at the same time, she's also a very sincere cop. She wants to do her job with complete honesty, which is why she questions her seniors also when something is a little off. So she's here to do her job well, and she does that also. And it's a very interesting graph all through the entire 8 episodes that you will get to see. Okay. She's playing Sweetie. Hi. I'm playing Sweetie. My name... Yes, of course. Thank you so much. Hi, my name is Coral. I'm playing Sweetie. And so Sweetie is... समोसे सब खाना वैसे इन्होंने एक नया तरीका सिखाया। एक्चुअली वन रीजन यू शुड वॉच कैट डेफिनेटली इज दैट यू विल गेट टू नो न्यू तरीका ऑफ ईटिंग समोसा। या फिर कभी खाओगे नहीं तू तो जरूर खाएगा बेटा। ओके ओके, ही इज प्लेइंग यंग गुरनाम गैरी। Exactly. आप पूछिए क्या पूछना है जवाब दूंगा। क्यों देखना चाहिए? किरदार के बारे में मेरा पहला काम है, मैं बहुत खुशनसीब हूँ, आई एम द ग्रेट डायरेक्टर एंड आई लव्ड इट ट्रूली, एंड आई थिंक एवरीबॉडी विल लव हिम। अमेजिंग। And he's playing Saba. Hi, मेरा नाम रमनदीप यादव है और मैं एक पंजाबी कैरेक्टर कर रहा हूँ। सो लाइक बल्ली सर, मैं पंजाबी कैरेक्टर कर रहा हूँ यादव होके। तो मुझे भी सरप्राइज लगा था क्योंकि मैंने ऑडिशन लिया था कि पंजाबी में दिया। सोचो कितने अच्छे डायरेक्टर हैं। पंजाबी कैरेक्टर किया है तो लैंग्वेज जानना चाहेंगे कितना इजी। लेकिन लैंग्वेज के लिए ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करनी पड़ी, मेहनत करनी पड़ी। बेसिक मैं चंडीगढ़ से बोर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, बट मेरे दोस्तों को कभी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मेरी पंजाबी अच्छी है। सो मैंने कहा एक मौका चाहिए। सो लाइक अभी दो एपिसोड देखे मैंने तो मुझे लग रहा है कि कुछ कुछ हुआ है। सो बाकी आपके ऊपर है, आप देखो। और जिदा की पंजाबी से कहते ना कि जब तुम चंडीगढ़ जब पंजाब एंटर कर दो तो कहते ना कि जी आया नू, से फिर आज फिर पंजाब मिलते हैं। पंजाब का किंग मोंटी सिंह, बस इतना ही बताना चाहूंगा, बाकी यू हैव टू वॉच द शो ऑन 9th ऑफ दिसंबर कैट। एंड ही इज प्लेइंग लाडी दक्ष। माय सेल्फ दक्ष, आई एम प्लेइंग लाडी। शो बहुत अच्छा बना है, सबने बहुत मेहनत की है, और प्लीज शो देखे ऑडियंस और प्यार दे, यही हम चाहते हैं। शी इज प्लेइंग कीरत। बहना
I'm playing Keira Tolak role. It's Madam Ollock's elder daughter and her elder sister. So please, guys, do watch Cat. And this is definitely my special project because your first is always special. And I really want to thank the directors and the team. The cast is amazing. The crew had been amazing. And the filmfare goes to Rehman. No. It goes to all of us. So thank you. Do watch Cat. He's playing Rocky Ranja. Rocky, yeah. Rocky! Rocky! Rocky loves you all. Rocky loves you all. Please, Cat, Rocky aur dekhna chahte ho, Cat dekho. I'm playing Rocky Ranja, who's a pop star. और पंजाब का obsession with pop stars, वो भी दिखेगा आपको. और पंजाबी गाने जितने हैं वो सारे मैंने ही गाए. सारा गए अंदर. बाकी पॉन्डियस को मारते भी देखना. हीरा है. Yes, exactly. Hi, my name is Sachin Negi and I'm playing Hira in this particular series. और ये मेरा पहला काम है, इसलिए बहुत special है. Best part जो cat का है ना, वो ये है कि सारे characters एक दूसरे से, सबकी lives एक दूसरे से directly और indirectly connected है. आप जो script पढ़ते हो और शो देखोगे तो आपको पता चलेगा हर character कहीं ना कहीं एक दूसरे की life में एक role play कर रहा है, जैसे शायद उसको भी नहीं पता. और Hira का जो character काफ़ी important है, crucial character है. मुझे वो एक dog की तरह लगता है कि जो उसको प्यार करता है उसके साथ चल जाता है, वरना उसके घर पर पिटाई बहुत होती है. बाकी आप देखो. देखो, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है. जब भी आप सेंसिटिव इशू को टच करते हो, जैसे इंसर्जेंसी पंजाब का या ड्रग ट्रैफिकिंग है, तो उससे काफी लोग उसके विक्टिम्स हैं, उनको इम्पैक्ट हुआ पड़ा है. तो कोशिश ये रहती है कि आप एक ह्यूमन स्टोरी कहने की कोशिश करो कि हमने अपने कैरेक्टर्स के थ्रू वो दौर दिखाया है थोड़ा सा, और जो जो फैमिलीज उससे अफेक्टेड हुई हैं वो हमारा एक फिक्शन जो है उसके पर हम दिखा तो इंसानी जज्बात और ह्यूमन इमोशन की ही कहानी हम कह रहे हैं. तो आई होप कि किसी को कोई बुरा ना लगे. इट्स अ टोटल फिक्शन, बट आप सोसाइटी में रहते हो, जिस समाज में रहते हो, आप वहाँ के लोगों को देखते हो, वहाँ के लोगों की पीड़ा देखते हो, पेन देखते हो, तो आप उससे इंस्पायर होकर ही एज अ राइटर कहानी लिखते हो. मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि कैट पहले किसी भी फिल्म जो पंजाब के ऊपर बनी है उससे रिलेटेड नहीं है. अगर लोग ये सोच के आए कि ये उड़ता पंजाब की तरह है या इसमें उस तरीके की ड्रग प्रॉब्लम्स दिखाई हैं, उड़ता पंजाब अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी, लेकिन कैट बहुत ही अलग है. इसमें आपको पंजाब के बारे में हर चीज़ देखने को मिलेगी. ये सिर्फ ड्रग्स के बारे में नहीं है, ये सिर्फ इंसर्जेंसी के बारे में नहीं है. पंजाब इससे बहुत बड़ी, मतलब स्टेट में आप कल्चर है, एंटरटेनमेंट है, म्यूज़िक है, पंजाब के लोग हैं, सिखी है. सिखिज़म क्या है वो आपको गुरनाम के कैरेक्टर के थ्रू पता चलता है. तो पंजाब के लोग तो इसको बहुत ही सराहेंगे, लेकिन it's an interesting weave and a very complicated weave of a lot of things that happen in Punjab today. लोगों की एक बहुत बड़ी misconception है सरदारों को लेके, पंजाब को लेके, वो भी address की गई है इसमें. और काफ़ी aspects पंजाब के इसमें निकल के आएंगे through each and every character, because हर character की एक backstory बहुत strong है. तो आपको काफ़ी बड़ा नज़रिया निकल के आएगा इसमें. Hi everyone. Kandisha, what do you say about being part of this project and about I'm really elated to be a part of this project. It was a very good script, and it was being produced by my manager and dear friend Panchali Chakravarti and Balvinder, who had I worked with before, and I really enjoyed doing it. What else? Randeep sir, please, हमारे public Hindi में भी है. So आपकी क्या अहम भूमिका है series में? मेरी क्या अहम भूमिका है series? मैं गुरनाम सिंह का किरदार निभा रहा हूँ, जो कि अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकता है. और वो पहले insurgency के time पुलिस का informer बनता है, और फिर अब ड्रग्स ड्रग ट्रैफिकिंग के अंदर उसका भाई फंस जाता है, तो उसमें वो
उसको बनना पड़ता है। बलविंदर सर के साथ काम करके आपका कैसा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा लगा मुझे बलविंदर सर के साथ काम करके। बलविंदर सर, बल्ली एज वी कॉल इट, इज अ वेरी वेरी विद इट, और बहुत ही बढ़िया डायरेक्शन किया। वही नहीं, और भी तीन डायरेक्टर थे इसमें, जिमी और रूपी पाजी, तो सबने बहुत बढ़िया काम किया। शुक्र है तू टी टाइम पे आ गया बेटा। भैया इनसे पूछो जरा, इनसे सबसे पूछो, इन सबसे पूछो जरा, फोटो लो पहले। वरुण भाई, वरुण आपसे जानना चाहेंगे ट्रेलर देखने के बाद कितने एक्साइटेड? बहुत ज्यादा, बहुत 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 ज्यादा एक्साइटेड है। आप लोग कितने एक्साइटेड हो यार? बस मैं खुद पंजाब से हूँ, आई कम फ्रॉम जलंधर, आई हेल फ्रॉम जलंधर, तो वेरी एक्साइटेड टू सी द स्टोरी, वेरी वेरी एक्साइटेड टू सी द स्टोरी, एंड बलविंदर भैया इज लाइक फैमिली, इज वेरी क्लोज टू मी, सो आई एम वेरी एक्साइटेड, आई हैव सीन हिज जर्नी राइट फ्रॉम द स्टार्ट टिल दिस डे टुडे, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी द मैजिक दैट हीज क्रिएटेड, एंड पंजाब अर्थीनेस एंड द होल फील ऑफ इट, रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग इट ऑन द बिग स्क्रीन। हाँ बताइए क्या बोलूँ, बहुत अच्छा लगा। एक तो कैट का ट्रेलर ही खुद ही बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत ही इंट्रीगिंग है, और फास्ट पेस्ड है, और देखने का मन कर रहा है। प्लस और भी बहुत सारे रीजन हैं, मेरे मित्र हैं रणदीप हुडा उसमें लीड कर रहे हैं, बाकी मेरे और भी बहुत सारे दोस्त हैं, मेरी बहुत अच्छी मित्र हैं, उन्होंने को प्रोड्यूस किया है, मेरे दोस्त ने डायरेक्ट किया है, तो बहुत मेहनत करी है, मुझे पता है कितनी मेहनत गई है, तो आप लोग भी देखें। मेरे मेरे बहुत प्रोजेक्ट्स हैं, अभी इस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं यार, अभी ये प्रोजेक्ट देखिए और देख के बताइए कैसा लगा आपको, ताकि मैं इन सब लोगों की खटिया खड़ी कर सकूँ। यार मैं तो सबसे ज़्यादा खुश तो बल्ली के लिए हूँ, द राइटर डायरेक्टर बहुत पुराना दोस्त है, फाइनली अब एज अ डायरेक्टर आ रहा है सामने, और रणदीप भाई के साथ ऑफकोर्स सब जानते हैं कहानी के बारे में, रणदीप हुडा के एज एन एक्टर के बारे में, बहुत एक्साइटेड हूँ, एंड आई एम हैप्पी वो नेटफ्लिक्स हर बार नया नया कॉन्टेंट लेकर आते हैं, वेरी हैप्पी दैट आई एम वेरी पार्ट ऑफ नेटफ्लिक्स फैमिली ऑल्सो। अरे